उधर रांची जिले के खलारी प्रखंड में स्थानीय लोगों के लिए प्रदूषण सिर का दर्द बना हुआ है। प्रदूषण से न सिर्फ स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही है बल्कि सड़कों पर दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। जहरीले धुएं से लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर आए दिन स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की ओर से लगातार गुहार लगाने के बावजूद प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही। आपको बता दें, पहले भी ट्रांसपोर्टिंग के दौरान कोयले में चारकोल मिलाने का काम किया जा चुका है जिसे लेकर लोग आवाज उठा चुके हैं। देखिए अभिषेक भारती की रिपोर्ट। झंडबा फिर भी घमंडबा जब आप सुनते हैं तो आपको याद आता होगा गोरखपुर के सांसद के जो अभी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, लेकिन ये स्थिति फिलहाल खलारी में भी है। मैं कहाँ हूँ, मैं फिलहाल खलारी में हूँ, रांची में। खलारी में मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये खलारी सीमेंट फैक्ट्री, खलारी सीमेंट वर्क्स, रुंगटा कंपनी का खलारी सीमेंट वर्क्स, जैसे वहाँ दिख रहा होगा। देखिए खलारी सीमेंट वर्क्स का वो बोर्ड है, बहुत सारे ट्रक आपको नजर आ रहे होंगे। असल में क्या है कि इसका नाम सिर्फ खलारी सीमेंट वर्क्स है। अब इसकी जो खूबसूरती है, जो खासियत है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। खूबसूरती और खासियत इसकी ये है कि आँख बंद कीजिए तो भी काला, आँख खोलिए तो भी काला। क्या है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी इस कंपनी ने झंड कर दी है। ये सीमेंट की कंपनी हो तो चुकी है बंद, लेकिन आज इसको एक रेलवे साइडिंग के तर्ज पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रेलवे साइडिंग के तर्ज पर इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए कोयला का पहाड़ है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। देखिए इसके उधर में रेलवे साइडिंग है जहाँ से कोयला जो है वो उठाया जाता है, रखा जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ जो आसपास में लोग रहते हैं वो कोयला फांकने को मजबूर हैं। मतलब आप देख लीजिए स्थितियाँ, आप ज़मीन देखिएगा तो पूरी ज़मीन कोल डस्ट से खाली, आप पहाड़ देखिएगा तो कोयले का पहाड़, आप जहाँ देखिएगा सिर्फ कोयला, कोयला और सिर्फ कोयला। इसको एक कोयले के जो जिसको कहते हैं कि कोयले का एक स्टोर, उसके तर्ज पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नंबर कोयला यहाँ पर डंप कर दिया जाता है। अब यहाँ से रात के अंधेरे में चुपके चुपके कुछ गाड़ियाँ निकल भी जाती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, पिछले कई महीने से आपको धुआं दिख रहा होगा मेरे पीछे, सही होगी पिंटू से मैं कहूँगा कि एक बार दिखाएं। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा, मैं ले चलता हूँ करीब, तो आपको करीब से नज़र आएगा। यहाँ देखिए आपको धुआँ उठता नज़र आ रहा होगा, वो धुआं उठता नजर आ रहा है, वो पिछले कई महीनों से यहाँ कोयले में आग लगी हुई है। ये आग धीरे धीरे जो है कम नहीं हो रही है, बल्कि इसका धुआं जो है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले कई महीनों से ये आग लगी हुई है और ये बहुत विकराल रूप से जल रहा था, अब तो ये बिल्कुल कम हो गया है। मतलब इसके पीछे आपको सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा। आप यहाँ से आएंगे, आपको मैं दिखाऊंगा, तो आप देखिए यहाँ से आपको सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के ये खलारी सीमेंट वर्क्स की तस्वीर को आप देख लीजिए, यहाँ के लोगों की समस्या को आप देख लीजिए। मतलब ये स्थिति है कि उनको नॉर्मली भी मुंह पर रुमाल बांध करके, मास्क बांध करके रहना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो बार बार सीओ से, बीडीओ से, यहाँ बगल में थाना है, यहीं बगल में अंचल कार्यालय है, यहाँ प्रदूषण का हाल ऐसा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर यहाँ का चेक कर लेंगे तो मैं यकीनन आपको दावा कर रहा हूँ कि इतनी गंदी हवा, इतनी प्रदूषित हवा जो किसी इंसान को जहर देने के बराबर है, स्थितियाँ ऐसी है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ के हालात कैसे हैं। अब इस पर कौन संज्ञान लेगा, इस पर कौन एक्शन लेगा, ये देख रहे हैं। सहयोगी पिंटू के साथ में अभिषेक भारती, TV45 खलारी।